जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के राजधानी जयपुर से है, जहां शहर के बंद की घाटी स्थित शिव हनुमान सेन मंदिर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सेन समाज के विभिन्न संगठनों के तत्वाधान में आयोजित हुआ। आयोजित शिविर में कुल 257 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। आपको बता दें कि शिविर आयोजनकर्ता श्री नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुनील गहलोत ने कहा कि रक्तदान महादान है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी के परिवार के चिराग को नई रोशनी मिलती है। उन्होंने आमजन से वर्ष भर में कम से कम दो बार रक्तदान करने की अपील करते हुए उन्होंने स्वयं 80वीं बार रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को हेलमेट व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, श्री मानव सामाजिक सेवा संस्थान अध्यक्ष सुरेश चंद सेन, गुलाबी नगर सरकार समिति अध्यक्ष बैरूलाल सेन नटलालपुरा, श्री नारायणी सेना के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सेन आजाद, प्रदेश प्रधान महासचिव भगवान साय सेन रायसर, सेन सभा अध्यक्ष राजेश चांगिल, परशुराम धनेऊ, गोपाल सेन, बलराम सेन, विनोद सेन, राकेश सेन, राकेश गुर्जर, गोविंद अलीगढ़, राजेश नटवाड़ा, सत्यनारायण अरनिया, नरेश सारसोप, विनोद राकेश, राजेंद्र बगड़ी, श्याम अमनपुरा, शैलेंद्र, मुकेश बबेली, सुरेश तंवर, दीपक पड़ियार, लालचंद प्रहलाद, वर्तिका सेन, सरोज भाटी, मुकेश दाबास, राजेश दाबास, महेश सैनी, राजीव सेन सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, जयवन राजस्थान न्यूज़।